दो दिन पूर्व 22 तारीख को बागली थाना क्षेत्र पर एक फरियादी अश्विन पिता दिनेश पाटीदार, जो कि चप्पल की दुकान संचालित करते हैं, उन्होंने थाने पर आकर रिपोर्ट किया था कि करीब 11:30 बजे वो अपनी दुकान पर बैठे थे और वहां पर दो आरोपी आते हैं और दो अज्ञात व्यक्ति आते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, चाकू से उसे घायल करते हैं, गले में करीब 60,000 की राशि होती है उसे लूट कर ले जाते हैं। बागली में दोपहर 11:30 बजे के आसपास हुई यह घटना अत्यंत संवेदनशील थी, जिस पर हमने अपने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी और ग्रामीण और SDOP और थाना प्रभारी के नेतृत्व में लगातार हमारी 48 घंटे तक 60 टीमें लगी रही और पूरे मामले का मात्र 48 घंटे की अवधि में पटाक्षेप करते हुए कुल दो व्यक्ति जो घटना में मुख्य रूप से इन्वॉल्व थे उनको पहले अभिरक्षा में लिया। उनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसमें उनके द्वारा बताया गया कि न सिर्फ वे दो लोग थे बल्कि उनके साथ 5 लोग और आए थे, अर्टिगा कार में आए थे, प्रॉपर उन्होंने रेकी की थी। रेकी करने के बाद जब उन्होंने देखा कि व्यापारी अकेला दुकान में बैठा हुआ है तो उसके दुकान में जाकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सभी 7 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ जो घटना में प्रयुक्त अर्टिगा 4-व्हीलर थी उसको भी बरामद किया है, साथ ही जो लूटी गई मशरूका थी उसको भी बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने आई है, सभी 7 लोग करीब 20 से 21 साल की उम्र है, बागली के ही ये लोग रहने वाले हैं, चूँकि स्थानीय लोग थे इसी वजह से इन पर बाज़ार में जब ये लोग रेकी कर रहे थे किसी ने डाउट नहीं किया और जो संपूर्ण मशरूका था वो पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही अभी किस वजह से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस रिमांड पर इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारा पीपल रावा थाना जिसकी बालोन चौकी है उस पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चौकी से करीब 7 से 8 किलोमीटर अंदर खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी मिली है, जिस पर हमारे बालोन चौकी प्रभारी थाना प्रभारी पीपल रावा दोनों मौके पर रवाना हुए थे। खेत पर जाकर जब देखा गया तो जो बॉडी मिली थी सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया, जो कि लोकेंद्र सिंह राजपूत जिसकी उम्र 25 साल है उसकी बॉडी होना पाया गया और जो खेत था वो उसी का खेत था। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखकर दिखाई पड़ रहा था कि गला घोटकर हत्या की गई है, जिसको मर्ग पंजीबद्ध करने के उपरांत जांच करते हुए PM रिपोर्ट प्राप्त करते हुए IPC की BNS की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस जांच में जुटी। लगातार 48 घंटे तक हमारी पुलिस सक्रिय रही, क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था, कोई एविडेंस हमारे पास नहीं थे, कोई क्लू नहीं था, खेत था, रिमोट एरिया था, कोई CCTV फुटेज नहीं थे। लगातार हमारी पुलिस पूछताछ करती रही, परिजनों से भी पूछताछ करती रही, उनके जो स्टेटमेंट थे उनको क्रॉस वेरीफाई करती रही। अंततः पुलिस जो आरोपी था उस तक पहुंची, जिसका नाम गजेंद्र सिंह लोडिया है और गजेंद्र सिंह ने अपने एक साथी सिद्धू के साथ मिलकर मृतक की हत्या की थी। ये गजेंद्र सिंह जो है मृतक का साड़ू है, यानी कि मृतक की जो वाइफ है उनके सगे जीजा हैं। जब गजेंद्र सिंह से डिटेल में पूछताछ की गई तो उन्होंने एक और खुलासा किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मृतक की पत्नी जिसका नाम किरण है उसके कहने पर गजेंद्र सिंह और उसके साथी सिद्धू ने मृतक की हत्या की है, जिसका कारण प्राथमिक पूछताछ में ये आया है कि किरण जिसकी शादी मृतक से 1 वर्ष पूर्व हुई थी, किरण का ये कहना है कि मृतक उसको लगातार प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था, जिसके संबंध में कभी भी पीड़िता ने लोकल चौकी या थाने पर कोई शिकायत नहीं की थी और प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपने जीजा के साथ हत्या की प्लानिंग की और इसी प्लानिंग के आधार पर गजेंद्र सिंह और सिद्धू ने मिलकर मृतक को खेत पर बुलाया और जब मृतक खेत पर पानी पिला रहा था अकेला था तब मौका पाते हुए उसकी गला घोटकर हत्या की। इतनी कम उम्र की जो महिला है उसने पहले स्टेज में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।